सिद्दीकी, प्रेसिडेंट पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जिला कश्तवाड़। हाल ही में जो 26 जनवरी की तकरीब हुई, मेरी तरफ से सभी को मुबारकबाद। वहाँ रंगारंग प्रोग्राम हुए, सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद। लेकिन एक चीज़ का गिला है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन लोगों को वहाँ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जिन लोगों में बांटे, वो मैं नहीं कहूँगा कि सारे वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो डिजर्व नहीं करते थे। वो चापलूसी करने वाले लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन में मुलविस हैं, उन लोगों को ज़्यादा वहाँ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिली। वहाँ हॉस्टल की बात लीजिए, वहाँ क्या हालात हैं, उनको अप्रिशिएट किया गया। लोग इस पर चुमाकाई करते हैं। यहाँ पिछले दिनों जो बारिशें हुई, उससे यहाँ चौगान के नीचे जो गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ आसपास जो हमारे स्कूल है, वहाँ गंदगी के ढेर है। पेची वाले जो उनको काम करना चाहिए, चौगान में इतनी ज़्यादा लीकेज है जंक्शन के पास, लोगों को चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको अप्रिशिएट किया गया। लिहाजा रूरल डेवलपमेंट में मुलाजिम है, उनको अप्रिशिएट किया गया। बाकी मौकों में, चाहे एजुकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, रेवेन्यू में, जो सारे लोग डिजर्व नहीं करते, हम सारे लोगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन डीसी साहब को चाहिए कि इस मसले में कोई कमेटी बनाए। आने वाले टाइम में इस कमेटी बनाकर अच्छी तरह स्क्रीनिंग करके डिजर्विंग जो लोग होंगे, डिजर्विंग जो एम्प्लॉयज होंगे, उनको इनामात से नवाजा जाना चाहिए। तो मैं हाल ही में जो यहाँ एक बहुत बड़ा मेगा टूर्नामेंट किश्तवाड़ कप के नाम से हुआ था, किश्तवाड़ स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। वो स्पोर्ट्स फेडरेशन तवक्का रखती थी कि भाईचारे के लिए इतना बड़ा इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ नशा मुक्त भारत अभियान भी चला गया, उनको भी इग्नोर किया गया। लिहाजा लोगों में काफ़ी रोष है, काफ़ी मलाल है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर ओवरऑल देखे कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको ऐसे मौकों पर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद रखेंगे कि डीसी साहब जो है इन चीज़ों पर गौर करेंगे।